2023 में सबसे पहले जो है कर्नाटक की ये भाजपा की सरकार, ये जो है नफरतों की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम यहाँ की जनता करेगी। कांग्रेस की सरकार और जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बीजेपी को उखाड़ ना फेंकेंगे तो हिंदुस्तान बहुत बड़ी मुश्किल में आएगा। भीमा नदी के ब्रिज कम बैरियर 9 बैरियर बनाए, इतना काम करने के बाद यहाँ के लोगों को बहुत सहूलत मिल गए। कांग्रेस साहब के नेतृत्व में पूरे इंडिया में 2024 में कांग्रेस की झंडा ले रहे हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष अध्यक्ष राधा मल्लिकार्जुन खड़गे जी होंगे। खड़गे साहब के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में भी मैं बोलता हूँ डायरेक्ट के साथ मिनिमम 45 सीट मेजोरिटी के साथ जीते हैं। This video present by Raidan Multi Cuisine Restaurant, variety of traditional foods, Arabian, Turkish, Middle East, grand interior, genuine spices, hygienic kitchen, address Tipu Sultan Chowk, Ring Road, Gulbarg. हिंदुस्तान के हर गोशे गोशे में, हर स्टेट में ये खुशी की लहर दौड़ रही है। ये कांग्रेस प्रेसिडेंट बनने के बाद और यहाँ पे नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी इसकी खुशियाँ मनाई जा रही है, क्योंकि ये जो है कम्युनल पार्टी और ये जो है भाजपा की कम्युनल सरकार, इसको उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का एक बेहतरीन डिसीजन रहा और एक बेहतरीन जो है ये उनका जो है फार्मूला रहा। और इस फार्मूले से आने वाले 2023 में सबसे पहले जो है कर्नाटक की ये भाजपा की सरकार, ये जो है नफरतों की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम यहाँ की जनता करेगी। और खड़गे साहब के नेतृत्व में मल्लिकार्जुन खड़गे जी के और जो है सिद्धरामैया और डी के शिवकुमार के जो है ना क़यादत में यह काम होने जा रहा है। उसके बाद जो हिंदुस्तान में 2024 में इलेक्शन होने वाला है, ये तारीखी इलेक्शन होगा। हिंदुस्तान की तारीख बदल जाएगी, हिंदुस्तान की तकदीर बदल जाएगी, क्योंकि हिंदुस्तान का एकजुट होने का ये इलेक्शन है। हिंदुस्तान को एक अखंड भारत रखने का इलेक्शन है। हिंदुस्तान अगर ये बार कांग्रेस की सरकार और जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बीजेपी को उखाड़ ना फेंकेंगे तो हिंदुस्तान बहुत बड़ी मुश्किल में आएगा। ये जो है इसीलिए कांग्रेस पार्टी ये डिसीजन लेके अपना जो है मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर भरोसा करके उन्होंने वो अपने पार्टी का अध्यक्ष बना के अब जो है ये हिंदुस्तान के अंदर एक तहलका इलेक्शन के जो है एक तमाम गली गली से लेके जो है कांग्रेस की आवाज़ उठेगी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की आवाज़ उठेगी। मैं ये कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक। आज जो हमारे देश में पहली मर्तबा एक नीचे से आए आदमी कार्मिक मंत्री बने थे, एक कार्मिक का बेटा डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने बिदर वरउट में पैदा होके गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट आके यहाँ के एजुकेशन ख़त्म करके 1970 से कार्मिक संगठन करके 1972 से 9 बार MLA बने, 2 बार MP बने। ये कलबुर्ग में इतना काम करे बगैर बिना कोई तो नहीं पूछे तो भी यहाँ से सेंट्रल यूनिवर्सिटी आए और हमारे कॉर्पोरेशन लेके आए, यूनिवर्सिटी लेके आए, इसमें ESI हॉस्पिटल लेके आए, हमारे हाईकोर्ट लेके आए, विमान निर्माण बने 371 जेल से, इधर इंजीनियर्स डॉक्टर सब लोग बने, इधर टेक्सटाइल पार्क बनाए सो है। जितना काम करे पूछो मत हमारे रईत लोगों को। भीमा नदी के ब्रिज कम बैरियर 9 बैरियर बनाए, जितना काम करने के बाद यहाँ के लोगों को बहुत सहूलत मिल गए। बहुत लोग इंजीनियर बने, बहुत लोग डॉक्टर बने, बहुत लोगों को जॉब मिले। ये आदमी हमारे पार्टी संगठन आइडेंटिफाई करके हमारे सोनिया गांधी राहुल गांधी ने इसको कांग्रेस पक्ष का अध्यक्ष बनाए, इसलिए दोनों को राहुल गांधी को सोनिया
सोनिया गांधी पक्ष वरिष्ठ नेताओं को हमारे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट तरफ से हम शुभकामना बोलते हैं। सबको दीपावली सुबह से बोल के हम यही बात खत्म करते हैं। आज इस भाग के राष्ट्रीय नेता, हम सबके लोकप्रिय नायक डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे जी आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट बन के आज उन्होंने अधिकार हस्तांतर कर लिया है। आज माननीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में उन्होंने ये पद ग्रहण आज दिल्ली में उन्होंने चार्ज लिया है। आपको मालूम होना चाहिए 9 बार विधायक, 2 बार सांसद होने के बाद 1 बार राज्यसभा सांसद होने के 50 साल का उनका जो राजकीय जीवन में आज बहुत बड़ा दिन है। जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, आज उनके हाथ में जवाबदारी, आज बागडोर उनके हाथ में है। आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को लेके आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस देश में कांग्रेस की एक लहर और इस राज्य में कांग्रेस की एक लहर का आने में कोई संदेह नहीं है। आज हम सब उनके इस अवसर पर हम सब यहाँ पे विजय उत्सव और उनको संभ्रम आचरण करके उनको बधाई देने के लिए हम सभी कार्यकर्ता कलबुर्गी जिले से उनको यहाँ से हमारे ओर से हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के डीके शिवकुमार जी, सिद्धरामैया जी, ईश्वर खंडरे जी सभी को साथ उनके साथ है। आज सभी इस कलबुर्गी जिले के कार्यकर्ताओं में एक नया जोश, नया उमंग है। मैं कांग्रेस पार्टी के जिले कांग्रेस के तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। खुशी और शांति बोनस मिला है दिवाली को कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और खड़गे साहब के बोलना बोले तो 9 बार MLA बन चुके हैं, 9 बार MP बन चुके हैं और 1 बार राज्यसभा, और ऐसा एक ही लीडर है पूरे इंडिया में जो लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट लोअर हाउस अपर हाउस दोनों में एक ही लीडर है ऐसे बने तो। और हमारी खुशी यह है कि जब भी कांग्रेस को तकलीफ आया, जब भी कांग्रेस पार्टी को बैकफुट हुआ और जब भी कांग्रेस देश के आवाम की आवाज दबदबाई जा रही थी, वो टाइम पे खड़गे साहब को पार्टी ने अपॉर्चुनिटी दिया है। एक बार किसी प्रोजेक्ट से रिजल्ट आया, कभी CM नहीं बने, पार्टी के लिए काम करेंगे, आवाम के लिए काम करेंगे बोलते। दूसरी बार CLP लीडर थे, फिर मेजोरिटी आया, तभी भी नहीं पार्टी के लिए, पार्टी जो मतलब वही काम करेंगे। ऐसा 3 बार CM को सैक्रिफाइस करने के बाद भी पार्टी इनसे वही उम्मीद करते हैं कि जब भी हमारा पार्टी बहुत मुश्किलों की हालात से चलती रहती है, खड़गे साहब को जवाबदारी देते आए जो है। और इस बार खड़गे साहब पहले जब AICC अध्यक्ष बने हैं, अब हमारे हिमाचल प्रदेश के स्टेट का इलेक्शन है, गुजरात का इलेक्शन है, उसके बाद कर्नाटक का है। खड़गे साहब के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में भी मैं बोलता हूँ डायरेक्ट के साथ मिनिमम 45 सीट मेजोरिटी के साथ हम जीते हैं। और गुजरात में भी 106 से 126 तक जीत गए। इस बार गुजरात में भी कांग्रेस का झंडा ले रहे हैं और खड़गे साहब के नेतृत्व में पूरे इंडिया में 2024 में कांग्रेस का झंडा ले रहेंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। और हम पूरे कार्यकर्ता मिलकर, ये कार्यकर्ता प्रेजेंट है, कार्यकर्ता ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम सबको खुशी है। और हम सब पूरे गुलबर्गा के लोगों, पूरे डेलीगेट्स को शुक्रिया और थैंक यू वेरी मच।